अगर आपने यह जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक किया है कि आपके फलदार पौधों के लिए कौन सा गमला या ग्रो बैग उपयुक्त होगा, तो आपने सही क्लिक किया है। मैं हूं जयप्रकाश और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल जय होम गार्डनिंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह के फ्रूट्स प्लांट्स के लिए किस तरह के गमले का प्रयोग करना चाहिए और किसमें फ्रूट्स प्लांट्स अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। पूरा वीडियो इसी पर है। इससे पहले चैनल पर जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको दिखा सकूं। तो बिना देरी करते हुए इस वीडियो करता हूं। ये सामने आप देख रहे हैं मिट्टी का गमला है और दोस्तों, फ्रूट प्लांट लगाने के लिए मिट्टी का गमला बेस्ट होता है जहाँ पर टेम्परेचर जो है 40 के ऊपर जाता है। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ का तापमान 40-45 के बीच में गर्मियों में चला जाता है तो फ्रूट प्लांट आप मिट्टी के गमले में ही लगाएं। प्लास्टिक के गमले में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अगर प्लास्टिक के गमले में लगा है तो ग्रीन नेट ऊपर छत पर लगी होनी चाहिए, वरना पौधा ग्रोथ नहीं दिखाएगा और डेड भी हो सकता है। तो मिट्टी के गमला जो है हम लोग काफ़ी समय से सभी गार्डनर यूज़ करते चले जा रहे हैं। इसकी अपनी खासियत होती है। सबसे पहला कि इसकी रूट को जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से इसमें मिल जाती है। वेंटिलेशन इसमें पूरी तरीके से होता है क्योंकि मिट्टी के गमले में पोर्स होते हैं और पूरी तरीके से इसमें पौधे को ऑक्सीजन मिलती रहती है। 10 इंच से लेकर 20 इंच तक के मिट्टी के गमले बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और मैं समझता हूँ कि इसी में फ्रूट प्लांट आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा आपको गमला चाहिए तो इस फ्रूट प्लांट जब इसमें आप डेवलप करेंगे तो इसमें इसकी रूट बॉल इतनी बड़ी हो जाएगी, इतना पौधा मजबूत हो जाएगा कि आप किसी भी बड़े ग्रो बैग में, जो आजकल ग्रो बैग चल रहे हैं, जियो फैब्रिक ग्रो बैग है या जो ग्रीन वाले चल रहे हैं, उसमें आप शिफ्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको फ्रूट प्लांट्स लगाना है, इवन नया प्लांट लगाना है, तो आप मिट्टी के पॉट में लगाइए। जब पौधा ग्रो हो जाए तो कोशिश करिए कि थोड़ा बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें। अगर पौधा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, आपका 2-3 साल हो गए हैं, तो आप ग्रो बैग या जो हाफ लीटर का जो ड्रम आता है प्लास्टिक का कंटेनर, उसमें भी आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक या कंटेनर यूज़ करेंगे तभी पौधा अच्छे से ग्रो। मिट्टी के पॉट में कितने बढ़िया से पौधा ग्रो कर रहा है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देख लीजिए, अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो अब मैं ग्रो बैग्स की बात करूँगा। ग्रो बैग्स भी बहुत तरीके के होते हैं। एक पॉलीथीन वाला ग्रो बैग होता है और एक ये ग्रीन वाला होता है और एक जियो वाला होता है। आजकल जो नया आया है जियो फैब्रिक वाला, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इसमें से बेहतर कौन है ग्रो बैग में, तो ये तो काफ़ी समय से मेरा टेस्टेड है ग्रीन वाला। इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से पौधा ग्रो कर जाता है। अगर आप फ्रूट प्लांट्स ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इसको छोटे से ग्रो बैग में लगाना है। ये 9 इंच का है, यानी कि इसमें पौधा मैंने लगाया है, बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है और आप देख सकते हैं इसमें एक फ्रूट भी लगा हुआ है। ये आम्रपाली मैंगो का पौधा है। तो इस तरह से भी आप फ्रूट प्लांट ग्रो कर सकते हैं। अब इसको साल, 1.5 साल, 2 साल मैं इसी ग्रो बैग में रहने दूंगा। पौधा जब और बड़ा हो जाएगा तो मैं अब ये 9 इंच से शिफ्ट करूंगा इसे 12 इंच में, 12 के बाद सीधे 18 इंच में, यानी 3 फेज में इसकी साइकिल को पूरा करूंगा। और जो पॉलीथीन वाले ग्रो बैग होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन वाला ग्रो बैग है, बाहर से वाइट होता है और अंदर से ब्लैक होता है, आपको दिखा दूंगा। ये देख लीजिए, इसमें भी फ्रूट प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो हो जाता है और इसकी भी लाइफ ग्रो बैग की 3-4 साल है। आप इसमें भी अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस तरह के ग्रो बैग का प्रयोग करें, नीचे ईंट पर रख दें या किसी थर्माकोल का प्रयोग कर लें, मतलब नीचे की हीट इसमें ट्रांसफ़र ना हो ग्रो बैग में, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चलते हैं। और इसमें वेजिटेबल आप लगा सकते हो, फ्रूट प्लांट्स भी लगा सकते हो, लेकिन फ्रूट प्लांट ज़्यादा समय तक नहीं लगा सकते। आपको 1.5 साल, 2 साल के बाद इसको किसी बड़े परमानेंटली ग्रो बैग में शिफ्ट करना। जो आप सामने देख रहे हैं मेरा अंजीर का पौधा है और ये टेम्परेरी ग्रो बैग इसे बोलते हैं और सब नर्सरी वाले इसे ही यूज़ करते हैं। और इसके बाद आपको बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करना पड़ता है। तो आप इस तरह के ग्रो बैग्स भी बाज़ार से ले सकते हैं, बहुत कॉस्टली नहीं आते, या 2 या 3 रुपए के एक पड़ते हैं। तो इस तरह के ग्रो बैग्स का प्रयोग आप
प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। मैं आपको प्लास्टिक का पॉट दिखाऊंगा, ये चाइनीज नारंगी का प्लांट है और प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है और ये बहुत अच्छी प्लास्टिक नहीं है, ये लोकल प्लास्टिक है, धूप पड़ते पड़ते सफ़ेद हो जाएगी। और इसी के जस्ट अपोजिट में देखिए ये चीकू का मेरा पौधा लगा हुआ है, एक पेंट की बाल्टी में लगा हुआ है। इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ा अच्छी है और इसीलिए मैंने इस चीकू के प्लांट को इसमें लगा रखा है। और आप देख सकते हैं इसमें ज़बरदस्त तरीके से फ्लावरिंग आ रही है, ये देख लीजिए, और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिक की भी अपनी क्वालिटी होती है, कितनी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक लोकल तरीके से जो बनी होती है हीट करने पर उसमें काफ़ी हार्मफुल गैसें निकलती हैं जिसकी वजह से रूट को काफ़ी नुकसान होता है। या फिर आपके टेरेस गार्डन के ऊपर ग्रीन नेट लगा होना चाहिए, या फिर आप सेमी शेडेड एरिया में इस प्लास्टिक में लगे प्लांट को रखिए। प्लास्टिक में लगे पौधे तभी सर्वाइव करेंगे जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री के नीचे रहता है। अगर 35 डिग्री के ऊपर है तो आपको सेमी शेडेड एरिया में इन प्लांट्स को रखना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए। प्लांट देख रहे हैं ये मौसमी का पौधा है और थोड़े समय के लिए आप टीन के कंटेनर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस टीन के कंटेनर को आपने देखा होगा कि मैंने बाहर से पेंट कर दिया है। पेंट करने का भी अपना एक रीज़न होता है, आप रेड रंग से भी कर सकते हैं और ग्रीन से भी कर सकते हैं। टीन का कंटेनर जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि इसकी चादर पतली होती है। आपने देखा होगा कि मैंने बेर का प्लांट लगाया था और उसमें अच्छी तरीके से ग्रो किया था, अभी मैं भी वो भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल मैंने एक संतरे का पौधा लगाया है और एक मौसमी का, आपको मैं दूर से दिखा दूं इनकी ग्रोथ, ये देख लीजिए। अब ये प्लांट की जब रूट बॉल बड़ी हो जाएगी यानी इसमें जड़ें पूरी भर जाएंगी तो मैं बड़े से ग्रो बैग में इसे शिफ्ट कर दूंगा या बड़े से मिट्टी के गमले में शिफ्ट कर दूंगा परमानेंटली, ताकि ये लगातार मुझे फ्रूटिंग देता रहे। तो समझाने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप के कंटेनर का भी देख लीजिए दोस्तों। बेर का मेरा पौधा है और ये टीन के कंटेनर में लगा है, एक प्लास्टिक में, दोनों में ग्रोथ समान चल रही है। लेकिन फ्रूटिंग की बात करूँ तो जो मैंने अनुभव किया है कि प्लास्टिक के पॉट में फ्रूटिंग बहुत कम आती है और टीन के कंटेनर में कुछ ज़्यादा ही फ्रूटिंग आती है। तो मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, लेकिन सबसे बढ़िया जो रहता है ग्रो बैग है या मिट्टी का गमला, जो आजकल जियो फाइबर ग्रो बैग चल रहे हैं लेकिन बहुत कॉस्टली हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बढ़िया। तो प्लास्टिक के पॉट में क्या होता है कि जैसे मई के महीने से जब गर्मी जब स्टार्ट होती है तो प्लास्टिक काफ़ी गर्म हो जाती है और इसकी रूट जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। इसके कारण जो फूल लगे होते हैं अक्सर गिर जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कि मेरे फूल क्यों गिर रहे हैं। तो यही कारण होता है कि जो फूल गिर रहे हैं इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब रूट को ही आराम नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, जब रूट ही कंफर्टेबल महसूस अपने आप को नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो अपने पर फूल फल लगे हैं वो गिरा देगा, यही कारण है। तो आप मिट्टी के गमले का प्रयोग करें या ग्रो बैग का प्रयोग करें। सबसे बड़ी चीज़ कि आप नीचे से ईंट लगा दें, जो ईंट होती है वो मिट्टी से बनती है ये सबको पता होगा, और ईंट जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। इसी कारण बोलता हूँ कि ईंट का प्रयोग करें, थर्माकोल का प्रयोग करें, नीचे की हीट गमले में ट्रांसफ़र ना होने दें तो बहुत बेहतर तरीके से पौधा चलेगा। दोस्तों आज का जो वीडियो था गमले के ऊपर था, किस तरह के ग्रो बैग्स का प्रयोग करना चाहिए फ्रूट प्लांट के लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए टॉपिक से नए वीडियो में। सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।